वह व्यक्ति जो किसी हारे हुए को सहारा देता है या फिर जरूरतमंद की मदद करता है, मेरी नजर में वही सच्चा संत है। ये कथन है डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे का, जिन्हें लोग प्यार से बाबा आमटे कहा करते थे। भारत में विनोबा भावे, मदर टेरेसा और महात्मा गांधी जैसे महान हस्तियों की तरह ही बाबा आमटे ने भी प्राणी मात्र में बसे नारायण की सेवा को अपने आचरण में उतार लिया था। आज इनकी पुण्यतिथि है। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं केसरी पांडे और आप देख रहे हैं धे टीवी। अपने आज के पुण्यतिथि विशेष में हम बाबा आमटे के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डालेंगे। डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे एक स्वतंत्रता सेनानी और भारत के सुप्रसिद्ध समाजसेवी थे। इनका जन्म 26 दिसंबर 1914 को महाराष्ट्र स्थित वर्धा जिले में हिंगनगढ़ गांव में हुआ था। उनके पिता देवीदास हरबाजी आमटे शासकीय सेवा में लेखपाल थे। काफ़ी समृद्ध परिवार से होने के बावजूद भी बाबा आमटे ने शिक्षा को प्राथमिकता दी और कानून की अपनी पढ़ाई पूरी की। उनकी वकालत चल निकली और उसके बाद उन्होंने अपना खुद का एक प्रतिष्ठान स्थापित किया। हालांकि कुछ ही दिनों बाद इनका झुकाव स्वाधीनता संग्राम की तरफ बढ़ने लगा और ये आज़ादी की लड़ाई के एक सिपाही बन गए। पेश है एक रिपोर्ट। उस समय देश में हर तरफ आज़ादी की लड़ाई का माहौल था। बाबा आमटे भी इससे अछूते नहीं रहे और इसमें शामिल हो गए। साल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इस आंदोलन के दौरान जिन नेताओं को ब्रिटिश सरकार द्वारा कैद किया गया था, उनकी रिहाई के लिए बाबा आमटे ने एक वकील के तौर पर पैरवी भी की। उनके प्रयासों के चलते इस आंदोलन में शामिल कई नेता रिहा हुए थे। उन्होंने महात्मा गांधी के सेवाग्राम आश्रम में भी कुछ समय बिताया और अपने जीवन का बाकी समय गांधीवाद का अनुयायी बनकर निकाल दिया। उनके आचरण से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अभय साधक की उपाधि दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने बड़ौदा में एक ऐसे कुष्ठ रोगी को देखा जिसके पूरे शरीर में कीड़े पड़ गए थे। इस घटना से वे इतने द्रवीभूत हो गए कि उनके जीवन की अवधारणा ही बदल गई। उन्होंने अपना पूरा जीवन इन कुष्ठ रोगियों की सेवा, खानपान उनको आश्रय देने में समर्पित कर दिया। उन दिनों कुष्ठ रोग एक सामाजिक कलंक बना हुआ था। बाबा आमटे ने इस अविश्वास को दूर करने की कोशिश की और जनता को जागृत किया कि कुष्ठ रोग एक संक्रामक रोग नहीं है। उनका कहना था कि किसी भी बीमार व्यक्ति के संपर्क में अगर स्वस्थ व्यक्ति आता है तो वो बीमार नहीं होगा और इसका इलाज संभव है। उन्होंने जनमानस की भ्रांति को दूर करने के लिए अपने खुद के शरीर में कुष्ठ रोग के कीड़े डलवा लिए थे। समाज से परित्यक्त लोगों और कुष्ठ रोगियों के लिए उन्होंने अनेक आश्रमों और समुदायों की स्थापना की। इनमें चंद्रपुर महाराष्ट्र स्थित आनंदवन का नाम काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा बाबा आमटे ने कई अन्य सामाजिक कार्यों, जिनमें वन्य जीवन संरक्षण तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रमुख हैं, के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। साल 1973 में इन्होंने मड़िया गोंड आदिवासियों के कल्याण के लिए लोक बिरादरी प्रकल्प की स्थापना भी की थी। साल 1985 में 72 वर्ष की उम्र में इन्होंने एकता का संदेश देने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पैदल यात्रा की थी। 9 फरवरी साल 2008 को 94 साल की उम्र में बाबा आमटे का निधन हो गया। बाबा आमटे द्वारा किए गए देश सेवा और समाज सेवा के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, जिनमें पद्मश्री, पद्म विभूषण, रमन मैग्सेसे मानव अधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार और गांधी शांति पुरस्कार समेत कई अन्य सम्मान शामिल हैं। बाबा आमटे द्वारा किया गया मानव सेवा का आचरण हम सबको हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। इस एपिसोड में इतना ही और बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि कुष्ठ रोग होता क्या है। इस एपिसोड में इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार। UPPCS क्रैक करने का जबरदस्त टूर धे IAS का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेस टेस्ट सिर्फ 100 रुपए में, और साथ ही पाएं सब्जेक्ट वाइज आकलन, काउंसलिंग सेशन और एकेडमिक सपोर्ट। अपील करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या धे IAS ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें।